हेलो माय फ्रेंड, मैं कमलकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आपको मिलेंगी सुनने के लिए छोटी मोटी शायरी, लव स्टोरी, इमोशनल और कॉमेडी के साथ भरी हुई, जिसमें कि आपको शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना होगा। और क्या है कि हमारी सीरीज़ का टाइम जो होता है वो 5 मिनट्स होता है। 5 मिनट्स में हम किसी के दिन की बात लेकर आपको देते हैं। तो आपके पास में जब हम कोई बात भी शेयर किसी के साथ करते हैं, तो आपको भी हक बनता है कि आप हमारी भी एक सीरीज़ को किसी के पास में शेयर कीजिए। ये सीरीज़ है इन भाई के नाम। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम इनका नाम है, जिनकी एक लव स्टोरी है और लव स्टोरी पर आधारित ये वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। तो मोहम्मद जी, कैसी है आपकी लव स्टोरी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो इरशाद किया है जी, गिरना भी अच्छा है जी, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। क्या बात, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। अक्सर मैंने अपनों को गिराता हुआ देखा है। बढ़ते हैं जब उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं जी, जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखा है। क्या बात, अब मैं सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। मैंने सुना है चेहरों पे किताबों ज़्यादा लिखा होता है। जिंदगी एक आईना है, जिंदगी एक आईना है, यहाँ पर दर्द को छुपाना पड़ता है। दिन दिन में जाए लाख बुकम हो, महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। पर हिस्सा दो आप। तो आपने देखा, भाई ने एक शेर सुनाया, शेर के साथ में अपनी दास्तां भी सुनाई है। दास्तां इसी में छुपी है, आपको इसमें से एक एक वर्ड जो होता है वो निकालना होगा, क्योंकि ऐसा है। भाई ने इमोशनली में ये सब कुछ सुनाया है। परेशान भी है भाई, क्योंकि प्यार करता है किसी लड़की से। तो अच्छा, क्या धोखा दे दिया क्या आप? प्यार अब भी करते? धोखा नहीं, वो ऐसे ही है, अरेंज मैरिज करने वाले हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अच्छा, ये जो है ना, इनके लव मैरिज है, अभी शादी कर रहे हैं दोनों दोनों के लिए। शायद समझौता हो चुका है घर वालों में? नहीं, घर वालों का कोई समझौता नहीं, उसके घर वाले राजी है, हमारे घर वाले राजी नहीं। अच्छा, उनके घर वाले राजी, इनके घर वाले राजी नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है ना, विपक्ष पार्टी इनके घर वाले हैं, और विपक्ष पार्टी को मनाना सबसे मेंटेन इनको करना होगा। और तुम जानते हो कि एक लड़के को घर से मेंटेन करना बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि मैं भी किसी लड़की से प्यार करता था कभी, तो अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अरेंज मैरिज। तो उससे क्या है कि पहले घर वालों ने देखा कि मेरी शादी जब नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा भग जाएंगे, इससे बढ़िया शादी कर दो भाई, तो शादी कर दी। सिंपल सी बात है। तो तुम जैसा मैंने किया वैसा कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसे मेंटेन करोगे अपने घर वालों को? नहीं, वो आगे की स्टोरी में बताएंगे, अभी के लिए यही बाकी है। इनका कहना यह है कि अगली स्टोरी में बताएंगे, क्योंकि इनको मुझे लगता है दोबारा मुझे बुलाएंगे। अपनी स्टोरी शायद इनके फाइनल नहीं है, या फिर पूरी तरह से बताना नहीं चाहते। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ दिन बाद इनके पास मैं दोबारा से एक नई सीरीज़ के साथ में आऊँगा। और प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी बताएं। और कभी किसी को ज़रूरत हो अपनी दिल की बात कहने की, तो हमारे चैनल के थ्रू आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।